मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल प्रियंका किचन जोन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चॉकलेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है सूजी नट चॉकलेट केक। जितना देखने में टेस्टी उतना बनाने में बहुत ही आसान। इसे आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, वो भी तवे के ऊपर। है ना डिफरेंट रेसिपी, और बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। चलिए देख लेते हैं इसको। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। सूजी नट्स चॉकलेट केक बनाने के लिए आज मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार। तो आज जितनी भी प्रिपरेशन हम करेंगे अपने केक बैटर बनाने के लिए वो मिक्सी के जार में ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी के नाप से आधी कटोरी पिसी हुई चीनी ली है, नाप के कहें तो 50 ग्राम है, और मैंने एक बाउल सेट कर लिया है। इससे हम सारा मेजरमेंट करेंगे, इससे आपको आसानी होगी अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं है। तो सेम बाउल से मैंने यहाँ पे 50 ग्राम यानी 50 ग्राम मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और उतना ही 50 ग्राम मैंने फ्रेश दही ली है। अगर आपके पास दही खट्टी है तो मत यूज़ करिएगा, बिल्कुल फ्रेश दही यूज़ करनी है। अब हम इसको कवर करके बिल्कुल 30 सेकंड्स के लिए चलाना है अच्छे से, और 30 सेकंड्स के बाद हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा लिक्विड पोर्शन बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो दही है वो फट जाएगी और जो हमारा बैटर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सब मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेम बाउल से एक कटोरी से थोड़ी सी कम सूजी ली है, ना आपके कहें तो 150 ग्राम है। साथ में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मैदा के, और 1-2 टेबल स्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और 1-2 टेबल स्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप एक पैकेट इनो पर डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर के, और साथ में ही डाल देंगे 1 पैकेट कॉफ़ी पाउडर, ये ऑप्शनल है, और साथ में डाल देंगे 1 चुटकी नमक, और फ्लेवर के लिए डाल देंगे वनीला एसेंस की कुछ ड्रॉप्स। अब इसको लिक्विड करने के लिए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें डाल देंगे 1/2 गिलास दूध। अगर आपके पास दूध नहीं तो आप पानी भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने 1/2 गिलास डाला है, अगर आपको मिक्स करने में दिक्कत होगी तभी डालिएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे, और कवर करके ऑन ऑफ करते हुए, मतलब रोकते चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे, लगातार नहीं चलाएंगे नहीं तो केक बैटर बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो केक बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने आपको इसलिए ऑन ऑफ करते हुए कहा है कि अगर आप इसे लगातार चलाते जाएंगे तो आपका जो केक है वो अच्छे से फूलेगा नहीं, हार्ड हो जाएगा। तो हम बना रहे हैं सूजी से केक, तो इसके लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे ताकि जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। तो मैं इसको 10 मिनट तक के लिए इसी जार में रख देती हूँ कवर करके, और जब तक हमारी सूजी फूल रही तब तक हम आगे का प्रिपरेशन देख लेते हैं हम केक कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर, तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर का कुकर लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कुकर नहीं है, जो पुराने मॉडल का आता है, आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो जिस बर्तन में आप केक बेक करना चाहते हैं बस उसको ले लीजिए, बस वो थोड़ा सा तले से भारी हो ताकि जो केक हो जले नहीं। इसमें हम लगा देंगे ऑयल की ग्रीस कर देंगे, ऑयल लगा देंगे अच्छे से, चारों तरफ लगाएंगे अच्छे से, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है तो जरूर ट्राई करिएगा। और साथ में लगा देंगे बटर पेपर, अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच मैदे की डस्टिंग कर दीजिए। अब इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। अब हम केक किस में बेक करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे केक बेक कर रही हूँ तवे पे, बहुत ही अच्छे से तवे पे केक बेक होता है। तो अब हम बिल्कुल धीमी आंच पे तवे को 10 मिनट तक के लिए प्री हीट कर लेंगे ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए, और जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा तब तक हम सूजी का बैटर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सूजी केक का बैटर भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है, और जो हमारा बैटर था पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो बस ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम फटाफट अपने जार में डाल देते हैं, तो जिसमें हम केक बेक कर रहे हैं इसमें डाल देंगे। और कुकर में बहुत ही अच्छे से केक बेक होता है, अच्छे से शेक कर लेंगे, टैप कर लेंगे ताकि जितनी एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब हमारा केक बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। मैंने थोड़े से यहाँ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जो ड्राई फ्रूट हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे, आप चाहे अभी डाल दीजिए चाहे बाद में, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं डाल रही हूँ, जब हम इसे बेक करेंगे तो जो केक फूलेगा सारा ड्राई फ्रूट अंदर चला जाएगा। अब हम इसे कवर कर देते हैं, और कवर करके इसको हम रख देंगे तवे पे। मैंने इसकी सीटी और रबर निकाल दिया है, वो नहीं लगाना है इसमें, और तवे पे इसको रख देंगे 20 मिनट तक के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे बेक करने के लिए। और 20 मिनट बाद फिर हम खोल के जो ड्राई फ्रूट हमने रखे थे वो डाल देते हैं, और इसको कुक होने में 30 से 35 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। तो चलिए छोड़ देते हैं इसको 20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट से केक हमारा तवे पे बेक हो रहा था, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए केक कितना अच्छे से राइज हो रहा है, फूल रहा है,
अब इस टाइम पे हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स या जो भी डेकोरेशन आप करना चाहते हैं इस पे अभी भी कर सकते हैं, और फटाफट करने के बाद में इसे तुरंत कवर कर देंगे ताकि जो हीट है वो बाहर ना निकले, और इसे हम 15 मिनट तक के लिए या जब तक हमारा केक अच्छे से बेक नहीं होता इसको बेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुका है, 15 मिनट बाद चेक कर लेते हैं, कुकर को खोल लेंगे। वाओ, ये देखिए केक कितना अच्छे से बेक हुआ है, इसका कलर भी कितना अच्छा है, और जो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी खूब सेट होके निकले हैं। अब एक टूथपिक की हेल्प से चेक कर लेते हैं केक अच्छे से पका है कि नहीं पका। तो देखिए जब टूथपिक इस तरह से क्लीन निकलती है इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए स्लैब पर रख देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ, जब भी आप केक को बेक करने के बाद ठंडा करें आप इसे ऐसे ना छोड़ें, एक कॉटन का कपड़ा या कोई हैंकी उसको पानी में अच्छे से डुबो लें और अच्छे से निचोड़ लें। इससे क्या होगा, जब इसे कवर कर देंगे जितनी भी हीट होगी वो बाहर निकलेगी, उससे हमारा जो केक है वो ठंडा तो होगा साथ में इसके अंदर स्टीम आएगी, और स्टीम से हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा और केक बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। छोड़ देते हैं इसको आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद चलिए चेक कर लेते हैं, केक अच्छे से ठंडा हो गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से केक दिख रहा है, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने चारों तरफ से चाकू की हेल्प से इसको स्क्रैच कर लिया था, अब इस तरह से टैप कर देंगे, और ये देखिए हमारा केक कितने अच्छे से डिमोल्ड हो गया है, बिल्कुल भी केक लगा नहीं है, जला नहीं है। अब ये बटर पेपर हटा देते हैं। चलिए अब केक को कट करके भी देख लेते हैं कितना सॉफ्ट है, देखने में तो यम्मी लग ही रहा है। ये लीजिए कितनी झटपट हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल बटर की तरह कट जा रहा है। ये लीजिए हमारा कुकर में बनने वाला बहुत ही इजी केक, जिसे आप बिना किसी झंझट के मिक्सी में डाल के बनाइए और फटाफट अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी सूजी नट्स चॉकलेट केक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और इसी तरह से प्रियंका किचन जोन को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।